हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेलार एकेडमी। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 32। सो हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनाइट इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर है हमारा और इंटीग्रेशन का 32nd। आपको लास्ट टाइम मैंने लिमिट्स कैसे डालने हैं डेफिनाइट में वो दिखाया था, और सब्स्टिट्यूशन करना है तो क्या करना है वो दिखाया था। अब थर्ड लेक्चर में, मतलब थर्ड टाइप में, मैं आपको यू इंटू वी का कैसे मैनेज करना है डेफिनाइट में वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मुझे किसी ने आई दे दिया 0 से लेके 1 एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स डी एक्स, राइट? हाउ टू सॉल्व दिस सम? तो लॉजिक ऐसा है कि एक्स इंटू टैन इनवर्स में आपको क्लियर पता है ये यू है, ये भी है, राइट? आपको ये रूल अच्छे से आता है। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टैन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन टैन इनवर्स का डेरिवेटिव इंटू एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स, राइट? अब आपको है ना, एक तरीका ऐसा होता है कि आप पूरा ऐसा बॉक्स डाल दो और बाहर 0 to 1 लिख दो। दिस इज अ वे ऑफ सॉल्विंग डेफिनाइट। अब ये इनडेफिनाइट अंदर है और एंडिंग में हम आंसर डाल देंगे। नहीं तो आप इतना बॉक्स अलग से लिखो ऐसे 0 to 1, और इसको कंटिन्यू करो 0 to 1 विदाउट राइटिंग दिस थिंग्स। दिस इज ऑल्सो ओके, योर चॉइस। मैं ये प्रीफर करता हूँ। मैं एक्चुअली जनरली पूरा करता हूँ, बट अभी इस समय अभी कचरा किया है। तो चलो, टैन इन वन कितना होता है, पाई बाई फोर इंटू वन बाई टू माइनस जीरो कितना होता है, जीरो, राइट? एक्स जीरो है माइनस, अब इसमें हाफ आएगा और ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से लेके 1। क्या करते हैं हम इसमें, प्लस वन माइनस वन, तो ये आएगा पाई बाय 8 माइनस हाफ टाइम्स। चलो मैं डायरेक्ट खत्म कर रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन में आप एक्सपर्ट हो। तो दिस बाय दिस इज 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 अपॉन दिस का इंटीग्रेशन है टैन इनवर्स एक्स 0 से लेके 1। तो ये भाई साहब आएंगे पाई बाय 8 माइनस हाफ टाइम्स, पहले 1 डालूंगा तो ये आएगा 1 माइनस पाई बाय 4, राइट? एक और ब्रैकेट माइनस 0 डालूंगा तो 0 माइनस 0, ऐसे एकदम आराम से करो। तो पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 इज पाई बाय 4 माइनस हाफ। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। होपफुली आपको यू इंटू वी में कैसे करना है समझ में आ गया है। एक तरीका, आइदर आप पूरा सॉल्व करो और एंडिंग में 0 to 1 डालो, नहीं तो जैसे पहला टुकड़ा बाहर निकल आ जाता है उसमें लिमिट डाल दो और दूसरे को इंटीग्रेशन को लिमिट्स लिख लो। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। चलिए अब हम लोग रेगुलर सम्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 35 तक अब मैं आपको अच्छे अच्छे सम्स सॉल्व करके दिखाऊंगा, इससे आपकी इंटीग्रेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर 36 से हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करेंगे। चलिए ये सम देखते हैं। आई है पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल क्यूब। आप चाहिए उतना दिमाग लगाओ, चलो बहुत टाइम देता हूँ इनफैक्ट मैं आपको, आप दिमाग दौड़ाओ, सोचो आप ये कैसे करोगे। ट्रस्ट मी, ये कंपैरेटिव लेना काफी अच्छा सम है। ओके, बहुत सारे तरीके इसके साथ लिए मेरे लिए पास, बट फिर भी अब ये देखो मैं कैसे करता हूँ। पॉज करो, पहले सोचो इसके बारे में। पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मैं इसको बोलता हूँ कॉस थीटा, और मैं इसको बोलता हूँ कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का स्क्वायर रेस टू 3/2 का स्क्वायर रेस टू 3/2 क्यूब। सो दैट आप चाहिए तो, आपको तो फॉर्मूला भी रटवाया था मैंने, और अगर नहीं है तो इसका स्क्वायर करके देखो आपको क्या आता है। आपको आएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस द होल रेस टू 3/2 डी थीटा। और अब हम लोग 1 प्लस साइन थीटा को बोलेंगे टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा डी थीटा बन जाएगा डी टी। जब मेरा थीटा है 45 डिग्री, मेरा टी होगा 1 प्लस 1 बाय रूट 2, और जब थीटा मेरा पाई बाय 2 है तब मेरा टी बनेगा 2। मैं सब यहाँ डाल रहा हूँ, इधर नहीं डालने का, यहाँ डालने का। तो आपका आई क्या बनेगा, आपका आई क्या बनेगा, आपका आई बनेगा 1 प्लस 1 बाय रूट 2 से लेके 2 1 अपॉन टी रेस टू 3/2 डी टी। तो ये टी रेस टू माइनस 3/2 बनेगा। टी रेस टू माइनस 3/2 का इंटीग्रेशन क्या है, टी रेस टू माइनस 1/2 बराबर अपॉन 1/2 इनफैक्ट माइनस 2 क्या आएगा, 1 प्लस 1/2 रूट 2 सॉरी 1/2 2, तो यह आएगा माइनस 2, पहले मैं 2 डालूंगा तो यह आएगा 1/√2, ध्यान से देखना, माइनस 1 अपॉन
ये डालूंगा तो 1 + 1/√2। एलसीएम मारना है तो मारो, जो करना है करो, आई गेस मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ। इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, तो दैट्स माय फाइनल आंसर। सम बहुत अच्छा था, और इट्स नॉट ओनली वे, आप कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, फिर उसके फैक्टर्स कर सकते हो, एक ब्रैकेट कटेंगी, बट उसके बाद क्या होगा, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सोचिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, चलो अगला सम देखते हैं। ठीक है, एज यूजल ये वीडियो पॉज कीजिए, 1 to ∞ है राइट, 1/√x 1+x। सोचिए इसमें आप क्या करोगे, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या कि कुछ और मेथड। तो मुझे लगता है रूट एक्स दिखा रहे, दिखा मैं रूट एक्स को ही टी बोलेगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/√x dx बन जाएगा dt, है क्या मेरे पास 1/√x? जी हाँ, तो ऑब्वियसली एक्स क्या बनेगा, टी स्क्वायर। आप वो दो लाइंस की जगह ऐसा टेबल भी बना सकते हो, ठीक है, कैसे, व्हेन एक्स इज, व्हेन टी इज, मतलब व्हेन एक्स इज 1 टी इज 1, व्हेन एक्स इज इंफिनिटी टी इज इंफिनिटी। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू लाइंस यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो। तो आपका जो लिमिट है वो एक्चुअली मुझे नहीं लगता बदले है इस पर्टिकुलर सम में, तो वही रह गए 1/1 + t² dt × 2। तो ये आएगा 2 times tan inverse t, एंड नए लिमिट्स ऑफकोर्स वो लकीली सेम हो गए, 2 times tan inverse infinity is π/2, tan 90 आपका इन्फिनिटी होता है, तो tan inverse infinity is 90 माइनस tan inverse 1 is π/4, तो ये आएगा π/4 × 2 इज अगेन π/2। तो आपका आंसर हो गया 90 डिग्री, इट इज π/2, दैट्स इट। तो ये अच्छे अच्छे सम्स है, हम थोड़े और करते रहेंगे धीरे धीरे धीरे, आपको अगर ये सम्स आ रहे हैं मतलब आप एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, चलिए इसके बारे में सोचो, 0 से लेके π/4 tan³x/1+cos²x, जितने दिमाग दौड़ा सकते हो दौड़ाओ, सिंपल। ठीक है, तो मुझे एक तरीका ऐसा लगता है, होपफुली आपने सोचा है राइट, सोचने के बाद ही रिज्यूम करोगे, डायरेक्ट आगे नहीं देखोगे, मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेगा। व्हाट इज 1+cos²x इज 2cos²x dx। नेक्स्ट स्टेप मैं बोलूंगा कॉस एक्स को टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बनेगा डी टी, जब x मेरा होगा 0 तब t बनेगा 1, सॉरी 1, जब x बनेगा π/4 तब t बनेगा 1/√2। तो ये बन गया 1 से लेके 1/√2, साइन क्यूब में से एक साइन x dx बन गया माइनस डी टी, तो एक साइन स्क्वायर बचेगा जो बनेगा 1 - cos² / 2t⁵। देखो मैंने बहुत सारी चीजें एक ही स्टेप में कर दी, चाहे तो टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो अगेन एंड देख लो मैंने क्या क्या किया, एंड सब कुछ हो गया है तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब ये भी खत्म कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है, -½ कॉमन जाएगा 1/t⁵, 1/t⁵ मतलब t⁵, तो t⁵ का इंटीग्रेशन t⁴ / -4, माइनस इसका इंटीग्रेशन, ये 1/t³ है, 1/t³ माइनस में ऑलरेडी बाहर निकाल चुका हूँ ये वाला राइट, तो 1/t³ मतलब t⁻³, तो t⁻³ का इंटीग्रेशन t⁻²/-2, तो उसकी वजह से प्लस हो जाएगा 1 से लेके 1/√2। बस शांति से इसमें वैल्यू डाल दो, -1/2, पहले 1/√2 डालूंगा, तो इनफैक्ट अब यहां देखो, यहां टी की जगह डालना है, इधर नहीं डालना होता टी की जगह। अब देखो गेम देखो, टी की जगह अगर मैं √2 डालूंगा तो √2⁴ ही आएगा, तो मुझे लगता है यहाँ पे -1 बचेगा, फिर प्लस मतलब एक्चुअली मैं पूरे आंसर में माइनस पूरे आंसर में ऐसे करूंगा, अब 1 डालूंगा तो ये आएगा हाफ माइनस, आई एम सो सॉरी, मैं इधर डालने वाला था राइट, हाँ, तो पहले ये डाला √2 इधर, फिर ये 1/√2 इधर डालने के बाद ये भी 1 आएगा, जो लकीली कैंसिल हो गए। ओके, आगे माइनस 1 डालूंगा तो ये आएगा -1/4 और ये आएगा +½, तो +½ - 1/4 is 1/4 का माइनस इज 1/8। होपफुली मेरा आंसर करेक्ट है, आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।